रेवती नक्षत्र में मनेगी मकर संक्रांति, अमृत सिद्धि योग का है सहयोग। दो दिन बाद मनाई जाने वाली मकर संक्रांति की तैयारी जोर शोर से की जा रही है। इस बार संक्रांति 14 जनवरी की रात्रि में सिंह पर सवार होकर आ रही है। चूंकि संक्रांति का पुण्य काल सूर्योदय के बाद माना जाता है, इसलिए 15 जनवरी को संक्रांति मनाना फलदायी होगा। मकर संक्रांति की प्रमुख पूजा टाटीबंध स्थित भगवान अयप्पा मंदिर में होती है। मंदिर में दर्शन करने दक्षिण भारतीय समाज के प्रदेश भर में रहने वाले हजारों श्रद्धालु पहुंचेंगे। मंदिर का प्रमुख पर्व होने के चलते तैयारी जोर शोर से शुरू हो चुकी है। मंदिर में रंग रोगन किया जा रहा है। संक्रांति की शाम को मंदिर के मुख्य द्वार से लेकर गर्भगृह तक 11,000 दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। इस मौके पर करीब 5,000 श्रद्धालुओं के लिए भंडारे में भोजन की व्यवस्था की जाएगी। सुबह से रात तक भक्तिमय माहौल। श्री अयप्पा सेवा संघ के अध्यक्ष विनोद पिल्लई एवं सचिव हेमंत कुमार ने बताया कि सुबह 4:30 बजे से अभिषेक, गणपति पूजा के पश्चात भक्तगण पवित्र सीढ़ियों का आरोहण करेंगे। शाम 6:30 बजे दीप आराधना, आरती के बाद भोग पूजा, भजन कीर्तन का दौर चलेगा। शबरीमाला आकाश में दिखती है ज्योति, ऐसी मान्यता है कि केरल के शबरीमाला स्थित प्रमुख मंदिर में शाम के बाद आकाश में भगवान के चमत्कार से मकर ज्योति चमकती दिखाई देती है। इस ज्योति के दर्शन करने देश भर से हजारों भक्त उमड़ते हैं। टाटीबंध के मंदिर में भक्तगण स्वयं ज्योति प्रज्वलित करने जुटते हैं। आकर्षक रंगोली सजाकर 11,000 से अधिक दीप प्रज्वलित किए जाते हैं। स्नान दान 15 को पुण्यकाल, जिस रात्रि में सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है उसके अगले दिन को पुण्यकाल माना जाता है। इस बार सूर्य 14 जनवरी की शाम के बाद मकर राशि में प्रवेश कर रहा है, इसलिए 15 जनवरी को सुबह पवित्र नदियों में स्नान करने के बाद तिल गुड़ का दान किया जाएगा।